जय हिंद दोस्तों, आज हम भारत के ऐसे शेर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने 1999 भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध में अपने सीने पर 5 गोलियां खाकर पाकिस्तानी के 48 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था और उनके कई बंकर बॉम्ब से उड़ा दिए थे। यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी के मेजर की गर्दन काटकर उसने भारत का तिरंगा लहरा दिया था। दोस्तों, आज कहानी इस शेर की, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान सिहम जाता है। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलता पूर्वक अंजाम दिया था। इस युद्ध में भारत के 500 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। इस लड़ाई में रिटायर्ड फौजी दिगंधर सिंह सीआरपीएफ कोबरा कमांडो का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। वे राजस्थान के छोटे से गांव के निवासी है। 1999 में पाकिस्तानी हजारों सैनिक घुसपैठ कर दी थी। जम्मू कश्मीर टोलिंग पर कब्जा जमा लिया था। टोलिंग छुड़ाने में भारत की 3 बटालियन असफल हो गई थी। पहली बटालियन के 18 जवान, दूसरी यूनिट के 22 जवान और तीसरी यूनिट के जवान शहीद हो गए थे। टोलिंग पाना इंडियन आर्मी के लिए चुनौती बन गया था। इसके बाद इंडियन आर्मी के सबसे बेहतरीन बटालियन को टोलिंग को मुक्त करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। यह राजपूत राइफल थी। इस बटालियन में कोबरा कमांडो दिगेंद्र सिंह भी शामिल थे। दिगेंद्र सिंह ने 1993 में हजमत दगरा को आतंकी के चुगल से केवल एक गोली के दम पर 144 उग्रवादी को सिलेंडर करवाया था। 1 जून 1999 को दिगेंद्र सिंह की बटालियन ने आसान रास्ते की बजाय मुश्किल रास्ते से दुश्मन पर धावा बोलने की सोची, क्योंकि टोलिंग की चोटी पर पाकिस्तानी जवान भारतीय जवानों को देखकर अंधाधुंध गोलियां चलाते थे। दिगेंद्र सिंह ने बड़ी मेहनत से टोलिंग की चोटी पर रस्सी बांधी, जिससे कि भारतीय जवान 14 घंटे में ही टोलिंग की चोटी पर चढ़ गए। रात का समय था, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दुश्मनों ने दिगेंद्र सिंह को देख लिया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दिगेंद्र सिंह को लगातार 4 गोलियां आकर लगी। इन्होंने हार नहीं मानी और दुश्मनों के बंकर पर बम फेंक दिया, जिससे बंकर पूरी तरह उड़ गया। देखते ही देखते पाकिस्तानी के 11 बंकर भारतीय जवानों ने उड़ा दिए। दिगेंद्र सिंह के साथ ये लगातार शहीद हो रहे थे। यह देखकर कोबरा कमांडो इतना गुस्सा आया कि कुछ समय में पाकिस्तानी के 48 जवानों को ढेर कर दिया और पाकिस्तानी के मेजर अनवर का सर काटकर उसमें भारत का तिरंगा गाड़ दिया। यह नजारा देखकर उनके साथियों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, दिगेंद्र सिंह को 5 गोलियां लग गई थी। युद्ध के बाद दिगेंद्र सिंह को राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायण के हस्ते महावीर चक्र से नवाजा गया। दिगेंद्र सिंह को इंडियन आर्मी के बेस्ट कोबरा कमांडो माना जाता है। दोस्तों, दिगेंद्र सिंह को 2005 में रिटायर हो गए थे। मेरे भाइयों, आपको भारत के शेर की सच्ची वीर कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जय